सबसे पहले तो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर, और आज का लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि इसमें हम एक डिफरेंट मॉडल जो है उस पर बेसिक सी डिस्कशन करेंगे। तो ओवरऑल अभी तक हमने डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ डीप लर्निंग जो है उन पे बात की। ख़ास तौर पे लास्ट टाइम हमने एक डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ मॉडल जो है, जैसे RNN था, उस पे बात की, फिर उसके डिफरेंट फ्लेवर्स देखे। तो ये RNN कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा और स्टडी करें। इनफैक्ट इस पर प्रोफेसर एंड्रयू एनजी के लेक्चर्स भी हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है उसमें सबसे पहले आई इंट्रोड्यूस अ मॉडल जो पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब मैं उसको एक डिफरेंट जाविये से इंट्रोड्यूस करवाऊँ। इन मॉडल्स को हम कहते हैं सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स, ठीक है। तो सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल, नाम से पता चलता है कि इनपुट भी एक सीक्वेंस होगा और आउटपुट भी एक सीक्वेंस होगा, ठीक है। अभी तक आपने क्लासिफिकेशन देखी थी कि आपने एक सीक्वेंस दिया तो एक लेबल मिला। रिग्रेशन में आपने देखा था कि आपने एक सीक्वेंस या वैल्यू दी, एक नंबर मिला। लेकिन जो सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स हैं, या सीक्वेंशियल मॉडल्स भी इनको कहते हैं, सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स में आप एक सीक्वेंस देते हैं। अब वो सीक्वेंस क्या हो सकता है? वो स्टॉक मार्केट की वैल्यूज़ हो सकती हैं, वो एक मंथ के वेदर यानी ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर हो सकता है, या वो कोई एक लैंग्वेज का सेंटेंस हो सकता है। ये सब याद है ना कि हमने इंट्रोड्यूस करवाया था RNN में, ये सब सीक्वेंसेस हैं। लेकिन फ़र्क अब ये है कि आपको आउटपुट में भी एक सीक्वेंस मिलेगा, एक नंबर या एक वर्ड नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ वेयर ये मॉडल डिफरेंट है। हमने इनफैक्ट इस तरह का मॉडल पढ़ा भी है और इम्प्लीमेंट भी किया है, और दैट इज़ ऑटो इनकोडर। अगर आपको याद हो तो ऑटो इनकोडर आपसे एक सीक्वेंस एक्सेप्ट करता था और आपको एक सीक्वेंस जनरेट करके देता था। तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि ऑटो इनकोडर इज़ अ सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट के जहन में आएगा कि मैंने RNN क्यों नहीं कहा। तो RNN मैंने इसलिए नहीं कहा कि RNN इनपुट एक्सेप्ट करता है, और लेकिन उसके आगे आपको कुछ एडिशनल हेड लगाना पड़ता है, वो हेड कुछ भी हो सकता है। सो RNN इज़ अ कंपोनेंट, और ऑटो इनकोडर एक पूरा आर्किटेक्चर है जो सीक्वेंस लेगा भी और सीक्वेंस रिटर्न भी करेगा। RNN लेयर से आप सीक्वेंस ले सकते हैं, लेकिन उस सीक्वेंस से आपने क्या काम लेना है उसके लिए आपको एक एडिशनल हेड लगाना पड़ेगा उसके ऊपर। अगर आपको याद हो तो ये टर्मिनोलॉजी मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। हेड का मतलब है कोई एडिशनल लेयर जो आप न्यूरल नेटवर्क के आगे लगाते हैं। वो क्लासिफिकेशन हेड भी हो सकता है, वो रिग्रेशन हेड भी हो सकता है, वो जनरेशन हेड भी हो सकता है, ठीक है। ओके, सो अब सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स हमने थोड़ा सा, हमें बेसिक सा आइडिया है जी। तो दोबारा क्यों? देखिए, मैंने आपको बताया था कि ऑटो इनकोडर हमने बनाए थे सिर्फ फुली कनेक्टेड लेयर्स। उस वक्त मैंने आपको एक हिंट दिया था कि बाद में जब हम ऑटो इनकोडर्स बनाएंगे तो हम इनमें अपनी मर्जी के नेटवर्क्स यूज़ कर सकते हैं। वो नेटवर्क कॉन्वोल्यूशन भी हो सकता है, वो नेटवर्क रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क भी हो सकता है। तो जब हम सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल कहते हैं तो एक्चुअली हम ऐसे ऑटो इनकोडर्स की बात कर रहे होते हैं जिनमें इनकोडर भी एक RNN है और डिकोडर भी एक RNN या इस तरह का मॉडल है। सो दिस, इसलिए जब वेन एवर वी टॉक अबाउट सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल, तो उसमें हम सीक्वेंस एज अ इनपुट लेंगे, और सीक्वेंस के लिए हमें पता है कि RNN एक अच्छा कंपोनेंट है, तो हम इनकोडर और डिकोडर दोनों में RNN यूज़ करेंगे। सो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि वाई वी आर रीइंट्रोड्यूसिंग और रीब्रांडिंग द ऑटो इनकोडर। अब हम इसको सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स कहेंगे। सो
पिछली बार मैंने दो कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करवाए थे, आज उसमें एक एडिशनल कंपोनेंट हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि अब इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई। तो ओवरऑल हमारा तरीका हमेशा से यही है कि हम आइटरेटिवली कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हैं। ऑटो इनकोडर में ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, मैंने इसको कहा था बॉटल नेक लेयर की आउटपुट। अब चूंकि ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए अब मैं इसको एज अ कंपोनेंट दिखा रहा हूँ। सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल में तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिन पे आपको तवज्जो देनी है। इनकोडर पार्ट आपसे इनपुट का सीक्वेंस लेगा और उसकी आउटपुट एक फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन होगी। फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि वो 64 नंबर्स या 64 डायमेंशनल वेक्टर हो सकता है, वो 128 डायमेंशनल वेक्टर हो सकता है, वो एन डायमेंशनल वेक्टर हो सकता है। तो इस जो वेक्टर है इसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट वेक्टर। इनकोडर का काम है अ वेरिएबल लेंथ ऑफ इनपुट रीड करना। अच्छा, ये दूसरा फर्क है। सिंपल ऑटो इनकोडर्स में हम यूजली फिक्स्ड इनपुट रखते थे, लेकिन जब हम सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स की बात करते हैं तो हमारे पास इनपुट वेरिएबल होती है। क्यों? याद है ना टाइम स्टेप का जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि टाइम स्टेप में आप वेरिएबल नंबर ऑफ इनपुट वर्ड्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल की इनपुट एक सीक्वेंस है, उसमें इनकोडर की आउटपुट कॉन्टेक्स्ट वेक्टर है और डिकोडर का काम है कि आपसे कॉन्टेक्स्ट वेक्टर ले और एक नया सीक्वेंस बना दे। अच्छा, अब जहन में आता है कि यार इसकी एप्लीकेशन कहाँ हो सकती है, किधर किधर ये फ़ायदा दे सकता है। ओके, एक सजेशन आई, टेक्स्ट टू टेक्स्ट। फाइन, टेक्स्ट टू टेक्स्ट, व्हाई वुड आई वांट टू टेक इनपुट अ टेक्स्ट एंड रीजनरेट अनदर टेक्स्ट। इसको हम थोड़ा सा स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बड़ा टेक्स्ट एक्सेप्ट करता हूँ और एक छोटा टेक्स्ट आउटपुट करता हूँ, इजंट इट समराइजेशन, समरी क्रिएट करना। ओके, मैं एक डिफरेंट लैंग्वेज का टेक्स्ट एक्सेप्ट करता हूं और एक डिफरेंट लैंग्वेज का टेक्स्ट आउटपुट करता हूं, इजंट इट मशीन ट्रांसलेशन, मैंने इनपुट के तौर पे फ्रेंच ली, आउटपुट के तौर पे इंग्लिश जनरेट कर दी। इनपुट क्या था? एक सीक्वेंस था। आउटपुट क्या है? एक और सीक्वेंस है। लैंग्वेज फर्क, सो अगेन ये भी टेक्स्ट टू टेक्स्ट है लेकिन ये मशीन ट्रांसलेशन है, पिछली समराइजेशन थी। इसके अलावा क्वेश्चन आंसरिंग, आप इनपुट के तौर पे एक क्वेश्चन एक्सेप्ट करते हैं विच इज़ अ टेक्स्ट, आउटपुट के तौर पे उसका आंसर क्रिएट करते हैं विच इज़ अ टेक्स्ट। ठीक, ग्रेट। सो एसेंशियली हमें कुछ एप्लीकेशंस नज़र आई सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स की। हर इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज़ गो अहेड। बिल्कुल, इसके अंदर एडिशन देखें यही है कि एक तो आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर रहे हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेशन आगे चल के वो एग्जांपल में भी हम देखेंगे, जब लैंग्वेज ट्रांसलेशन पे जब आप जाते हैं तो उसके अंदर भी कुछ आपको प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं कि हाँ हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन करते रहे हैं बट वो इतनी सिंपल चीज़ नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। तो पॉइंट इसके आपने अभी जो आपके माइंड में ऑटो इनकोडर इनकोडर डिकोडर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने इंटैक्ट रखना है ताकि आप उस एनालॉजी को अपने माइंड में ड्रॉ कर सके जब हम आपको ट्रांसलेशन दिखा रहे हों। ओके, सो ये चीज़ तो मेरे ख्याल हमने डिस्कस की हुई है। मैंने ऑटो, ये इस सेम ऑटो इनकोडर है विद सर्टन डिफरेंसेस। डिफरेंस क्या है? इधर इनकोडर भी एक आरएनएन है और डिकोडर भी एक आरएनएन, ठीक है? तो फर्क इधर ये है। बाकी इनकोडर का क्या काम है? इनपुट से हिडन रिप्रेजेंटेशन, लेटेंट रिप्रेजेंटेशन या कॉन्टेक्स्ट वेक्टर लर्न करना। ये तीनों लफज मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ, हिडन रिप्रेजेंटेशन, लेटेंट रिप्रेजेंटेशन। लेटेंट मैंने बताया था कि छुपी हुई चीज़ को कहते हैं, हिडन का एक फैंसी नाम है। लेटेंट अगर किसी को इम्प्रेस करना हो तो हम हिडन की जगह लेटेंट कह देते हैं। बिल्कुल, और इधर हमने उसको एक नया नाम दिया कॉन्टेक्स्ट वेक्टर या फिक्स्ड डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट सीक्वेंस। तो ये तीनों एक ही चीज़ के डिफरेंट नाम हैं, मैं इन्हें इंटरचेंजेबली यूज़ करूँगा ताकि आपका माइंड जो है उसमें ये पेंट हो जाए
कि इन तीनों में से कोई भी लफ्ज़ आएगा तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, और वो क्या चीज़ है, जो इनकोडर की आउटपुट, ठीक है, तो इनकोडर की आउटपुट के ये तीनों नाम है। अच्छा सर, एक सवाल है कि क्या हम इसको एम्बेडिंग वेक्टर कह सकते हैं? वेरी गुड जी, बिल्कुल कह सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक रहा, और मज़े की बात ये है, अगर बाद में आप जब एम्बेडिंग मॉडल्स का नाम सुनेंगे तो इससे मिलती जुलती बात आपको समझ में आनी चाहिए। और इनकोडर की एक और भी ख़ास बात है, आगे जाके जब कभी हम बर्ट की बात करेंगे तब भी आपके जहन में आना चाहिए यार, इट हैज़ समथिंग टू डू विद इनकोडर्स, ठीक है जी। तो इनकोडर की स्ट्रेंथ ये है कि ये किसी भी इंफॉर्मेशन की एक रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। टेक अवे ये है कि इनकोडर्स आर रियली गुड एट लर्निंग अ रिप्रेजेंटेशन, लेटेंट रिप्रेजेंटेशन, हिडन रिप्रेजेंटेशन या कॉन्टेक्स्ट वेक्टर, लेकिन इनकोडर्स आर रियली गुड एट लर्निंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन वॉइस हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन इमेज हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट या लैंग्वेज हो सकती है। जी हर्ष भाई, बिल्कुल। अभी जिस तरह से आपसे आपको बताया था कि जो RNN है इसके अंदर इनकोडर और डिकोडर वाला पार्ट, वहाँ पे सॉरी जो पीछे हम डिस्कस कर रहे थे सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल में जहाँ पे इनकोडर एंड डिकोडर यूज़ कर रहे थे, तो वो इनकोडर और डिकोडर दोनों क्या है वहाँ पे RNN यूज़ हो रहे हैं, तो वही चीज़ इस डायग्राम के अंदर भी शो की जा रही है कि जो आपका इनकोडर वाला पार्ट है उसके अंदर भी जो जितने नोड्स हैं या जितनी वो क्या कहते हैं RNN यूज़ कर रहा है। अच्छा, इसमें मैं कुछ ऐड करूँगा, आई वुड वांट यू कि आप बड़े गौर से ये पिक्चर देखें। आपको नीचे रेड एरिया नज़र आ रहा है, आपके ख्याल में ये तीन डिफरेंट चीज़ें हैं या एक ही चीज़ में तीन डिफरेंट इनपुट्स जा रहे हैं? एग्जैक्टली आपको याद होगा कि जब मैंने RNN पे डिस्कशन की थी तो मैंने आपको दो पिक्चर्स दिखाई थी, एक में एक लूप चल रहा था और उसी को फिर हमने दिखाया था डिफरेंट टाइम स्टेप्स पे, कि पहले टाइम स्टेप में इनपुट X1 थी, दूसरे टाइम स्टेप में इंफॉर्मेशन X2 थी, तीसरे टाइम स्टेप में इंफॉर्मेशन X3 थी, और हर बार इंफॉर्मेशन प्लस मेमोरी या वो जो समरी जिसको हमने कहा था, मैं इंफॉर्मेशन यानी इनपुट और समरी मिल के आउटपुट क्रिएट करते थे। सो इन फैक्ट ये वही पिक्चर है, और इधर ये एक ही नोड है जिसमें डिफरेंट टाइम स्टेप्स पे डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सीक्वेंस एज अ इनपुट जा रहे, और समरी या हिडन स्टेट जो है इस सेल की वो अपडेट हो रही है। अच्छा, ये सेल वनीला RNN भी हो सकता है, ये सेल ग्रू भी हो सकता है, ये सेल LSTM भी हो सकता है। क्योंकि ये बातें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं इसलिए मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, और हमने इसीलिए इसको सिर्फ कहा है इनकोडर RNN। इट कैन बी एनी ऑफ द वनीला RNN और गेटेड रिकरेंट यूनिट और लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, उनमें से कोई भी सेल हो सकता है। ओके, सो जब ये तमाम इनपुट्स चली गई तो उसके बाद हमारे पास सी क्रिएट हुआ। ये सी वो फिक्स्ड डायमेंशनल वेक्टर या लेटेंट स्टेट है जो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस की। अब ये इनपुट के तौर पे चला गया डिकोडर को, यानी ये रिप्रेजेंटेशन इनपुट के तौर पे चली गई डिकोडर को। डिकोडर ने सबसे पहले एक टोकन दिया स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, SOS। SOS बाय द वे वो एक खतरे वाला भी होता है SOS, है ना, ये वो खतरे वाला SOS नहीं है, ये स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस या स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, लोग सीक्वेंस भी कहते हैं सेंटेंस भी कहते हैं, तो हम चूंकि सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल की बात कर रहे हैं तो मैं ज़्यादा इसको स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस ही कहूँगा। तो आपने सीक्वेंस स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस दिया, आपने हिडन वेक्टर दिया, और इसके अंदर इसकी अपनी मेमोरी है, उसकी तौर पे आपको पहला आउटपुट सीक्वेंस का टाइम स्टेप मिला, फिर वो पहला टाइम स्टेप की आउटपुट अब SOS बन जाएगी अगली टाइम स्टेप के लिए,
और साथ ही कॉन्टेक्स्ट वेक्टर भी और साथ ही मेमोरी भी। तो इस तरह आप इसकी हर टाइम स्टेप आपको Y1, Y2, Y3 देगी। तो इसमें गौर करने की बात यह है कि इनपुट क्या थी X1, X2, X3, आउटपुट क्या थी Y1, Y2, Y3। इनपुट भी एक सीक्वेंस था, आउटपुट भी एक सीक्वेंस है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि अगर X1, X2, X3 तीन टाइम स्टेप थे तो आउटपुट में भी तीन होने, कोई ज़रूरी नहीं। आउटपुट में Y4 भी हो सकता था, या ये भी हो सकता था कि हमें Y3 की ज़रूरत भी ना हो, हम कहें हमें सिर्फ Y1, Y2 चाहिए, ठीक है। सो इनपुट भी एक वेरिएबल सीक्वेंस होगा, आउटपुट एक डिफरेंट वेरिएबल सीक्वेंस होगा, दोनों का साइज या नंबर ऑफ टाइम स्टेप सेम होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। ओके जी, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, ये सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस हमने क्यों लिखा? क्वेश्चन आंसरिंग और मशीन ट्रांसलेशन तो समझ में आती है। सेंटिमेंट एनालिसिस में आप एक सीक्वेंस जनरेट करते हैं, लेकिन वो सीक्वेंस एक वर्ड का भी तो हो सकता है, एक वर्ड का भी तो सीक्वेंस ही है ना। तो RNN आर रियली गुड के वो एक समरी जो है अपने पास रखें। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहता हूँ कि इन स्टार्ट आई डिडंट लाइक द मूवी बट एट द एंड आई लव इट। अब इसमें स्टार्ट क्या है? नेगेटिव है। एंड क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन इसमें डोमिनेटिंग पार्ट क्या है? कि मूवी अच्छी थी यार, बुरी नहीं थी। अब अगर ये टोकन वाइज इसका एनालिसिस नहीं ना करेंगे आप, तो जो सिंपल वो जो फुली कनेक्टेड है या CNN या व्हाटएवर है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये वाला सिस्टम जो है ना, ये कंपैरेटिवली हर एक वेट की बेस पे कुछ अच्छा काम करेगा। हम देखेंगे कि इसकी भी लिमिटेशन है, तो इसलिए मैंने सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल में सेंटिमेंट एनालिसिस भी लिखा, क्योंकि बेहतर जो मॉडल है सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन या सेंटिमेंट एनालिसिस के, वो एक्चुअली टाइम सीरीज मॉडल या सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल होते हैं। नेक्स्ट चलें किशोर। ओके, ये बस आपको दिखाने के लिए है कि ट्रांसलेशन कैसे होती है। गूगल ट्रांसलेट आप बहुत यूज़ करते रहे होंगे, अब मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि अब और बहुत सारी चीज़ों ने इसे रिप्लेस कर दिया। बट असेंशली दिस इज़ एक्चुअली अ सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल। आप जो GPT यूज़ करते हैं वो भी आपको पता चलेगा, वो भी एक सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल था। सो ये एक एग्ज़ाम्पल है, ये न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन की एग्ज़ाम्पल है इसमें। जी जी हाँ, तो ये न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन में आपने देखा कि इनपुट के तौर पे हमने फ्रेंच का टेक्स्ट दिया, इनकोडर ने उसकी एक रिप्रेजेंटेशन फाइंड की, वो रिप्रेजेंटेशन जब डिकोडर के पास गई तो उसने उसका ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ इंग्लिश जनरेट किया। तो ये सारा काम होगा कैसे? जब आप इस मॉडल को ट्रेन करेंगे, जैसे हमने ऑटो इनकोडर ट्रेन किए थे तो हमारे पास इनपुट भी थी और आउटपुट भी थी, तो इधर भी हमारे पास पेयर ऑफ सेंटेंसेस होंगे। हम इनपुट के तौर पे फ्रेंच देंगे, आउटपुट के तौर पे जो जनरेट होगा उसका कंपैरिजन करेंगे इंग्लिश से, लॉस कैलकुलेट करेंगे, दोनों मॉडल्स के वेट अपडेट करेंगे, एंड वी कीप ऑन डूइंग फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास। जब हम इनफ टाइम ये कर लेंगे, तो जैसे मैंने आपको डेमोंस्ट्रेशन दी थी कि आपने ट्रेन ऑटो इनकोडर किया था, लेकिन इनकोडर अलग ट्रेन हो गया था, डिकोडर अलग ट्रेन हो गया था, तो सिमिलरली आप पूरा ये जो सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल है ट्रेन, आप इस पूरे को इकट्ठा करेंगे, लेकिन उसके बाद जो इनकोडर है इट विल बी रियली गुड के वो इंग्लिश की एक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर लें, एंड डिकोडर विल बी रियली गुड कि वो उस रिप्रेजेंटेशन से फ्रेंच क्रिएट कर, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। ओके जी, गुड। सो RNN अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, फिर हमें अटेंशन या नई चीज़ों की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि हम जब भी कोई नए मॉडल की बात करते हैं तो हमें पहले ये अंडरस्टैंड करना होता है यार इसकी ज़रूरत क्यों थी, पिछले मॉडल्स में वो क्या मसले थे
जिनकी वजह से हमें एक नई चीज़ बनानी पड़ी। अभी तक हमें ये पता है कि आरएनएन एक मसला हल कर रहा था कि टाइम को एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये कंसिडर कर रहा था, बाकी पिछले मॉडल में से कोई भी नहीं टाइम को इतनी वैल्यू देता। ओके, दैट इज़ फाइन। लेकिन आरएनएन में खुद कुछ मसले हैं, तो हम उन मसलों की बात करते हैं। सबसे पहला मसला ये है कि आरएनएन टाइम स्टेप में चलते हैं। दिस इज अ बुक, पहले दिस जाएगा, फिर इस जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर बुक जाएगा। सो आरएनएन इनहेरेंटली सीक्वेंस में ऑपरेट करता है। अब इसका मतलब है कि अगर ये सीक्वेंस में ऑपरेट करते हैं तो मैं ये सारे टाइम स्टेप पैरेलल नहीं चला सकता कि मैं दिस इज आ बुक इकट्ठा ही चार एनएन के सेल लूँ और उन सब चारों को दे दूँ, फ़ायदा नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि आरएनएन ने तो अपनी वो जो हिडन स्टेट या रनिंग समरी है वो भी अपडेट करनी है। तो इसका मतलब है कि अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये जीपीयू यूज़ नहीं कर सकते। फारिस भाई, अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये जीपीयू क्यों नहीं यूज़ कर सकते यार? ये तो मुझे समझ में नहीं आई बात। देखें, जीपीयूज़ का आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपकी जितनी भी कंपटीशन है उसको वो पैरेलली प्रोसेस करे और आपको विद इन लेस टाइम और कंप्यूट को ऑप्टिमाइजली इस्तेमाल करते हुए जो है ना वो आपको आउटपुट दे दे। तो अब एक चीज़ ऐसी चीज़ जो कि प्रोसेस ही जिसका आर्किटेक्चर ही ऐसा डिफाइंड है कि जो सीक्वेंस के अंदर ही प्रोसेस होनी है, अब उसके ऊपर आप कोई ऐसा हार्डवेयर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें जो कि उसको इन्फोर्स कर रहा हो कि आप पैरेलल प्रोसेस करें, तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं क्योंकि आर्किटेक्चर उसको सपोर्ट ही नहीं दे रहा हार्डवेयर को। तो दैट्स वाई आपके पास जो है जीपीयू की यूटिलाइजेशन जो है वो आरएनएन के अंदर इतनी मिनिमल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक। अच्छा, इसमें एक दूसरा जो प्रॉब्लम है आरएनएन में वो है लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी। द कैट हु वाज शाउटिंग ऑन अ डॉग जंप। अब अगर आपने सीक्वेंस जनरेट करना है तो इसमें ये जो जंप्ड है, द कैट हु वाज शाउटिंग ऑन द डॉग जंप, अब ये जंप्ड कैट से रिलेट करता है, शाउटिंग ऑन द डॉग से इसका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन इतना लंबा रिलेशनशिप जो है वो ये आरएनएन तो नहीं मैनेज कर सकता। आरएनएन तो एक दो पिछले लफ्ज़ देखेंगे, उनकी बेस पे अगला लफ्ज़ जनरेट करने की कोशिश करें। तो इसलिए ये जो जंप्ड है ना, ये आरएनएन हमेशा गलत क्रिएट करे, विच मीन्स इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी प्रॉब्लम। कि अगर एक लफ्ज़ सेंटेंस या सीक्वेंस में बिल्कुल स्टार्ट में आया है और दूसरा कोई लफ्ज़ उस पर जो डिपेंड कर रहा है वो बिल्कुल एंड में आया है, तो उसका रिलेशनशिप या डिपेंडेंसी आरएनएन समझ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है आरएनएन। इसकी कोई और, मेरे ख्याल ये इट शुड मेक प्रिटी गुड सेंस। तो बाकी इसकी एग्जांपल अगर आप लोगों ने निकालनी है तो चैट जीपीटी पे लिखें कि मुझे ज़रा लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी की और अच्छी अच्छी एग्जाम्पल दो, तो वो आपको कहेगा John is a great guy. He went to a bakery. He bought egg. Then he come back. But then he realized he forgot the bread. जब आप सवाल पूछेंगे John क्या चीज़ भूला, तो ये सारी तफसील RNN को मिलेगी, कन्फ्यूज हो जाएगा क्योंकि John बिल्कुल स्टार्ट में आया, उसके बाद ही RNN बंदा तो नहीं है ना, उसे पता चले कि यार ही का मतलब John है। तो जो चीज़ वो भूला वो आखिर में थी, जो बंदे का नाम था वो बिल्कुल स्टार्ट में था। तो आरएनएन के लिए बहुत मुश्किल होगा वो ये बता सके कि यार कौन भूला था ये चीज़, जॉन भूला था या ही भूला था। सो ये जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी है आरएनएन आर रियली बैड एट। सो इसलिए वी नीड टू कम अप विद समथिंग जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी का मसला हल कर सके। ओके, एक और इसका जो प्रॉब्लम है वो ये है सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स का, ये स्पेसिफिकली आरएनएन का नहीं है। हमने देखा कि जो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर या हिडन रिप्रेजेंटेशन है वो फिक्स्ड डायमेंशनल है,
यानी आपने स्टार्ट में फर्ज फिट फिक्स कर दिया कि यार मेरी जो फिक्स्ड वेक्टर है या मेरी जो लेटेंट रिप्रेजेंटेशन है वो 64 डायमेंशन होगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सेंटेंस के सारे फीचर उन 64 डायमेंशंस में रिप्रेजेंट हो सके। हो सकता है कि ये 64 डायमेंशन बहुत कम हो और एक्चुअली उसमें इतने ज़्यादा फीचर हो जिसके लिए 64 डायमेंशन से ज़्यादा डायमेंशनल वेक्टर चाहिए। ठीक, ये चीज़ अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो डोंट वरी, लेकिन आइडिया ये है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप बहुत छोटी जगह डालने की कोशिश करेंगे तो मे बी आप कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लूज़ कर दें। सो ये एक तीसरा प्रॉब्लम था क्योंकि आप पूरे सीक्वेंस के फीचर फिक्स डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट इनपुट सीक्वेंस में से उसे लूज कर दें या आपकी ही लेटेंट रिप्रेजेंटेशन उसे रिप्रेजेंट ना कर पाए। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल है अगर नहीं रिप्रेजेंट कर पाती तो इससे क्या नुकसान होता? नुकसान ये है भाई कि यही लेटेंट रिप्रेजेंटेशन डिकोडर में एज आउट इनपुट जानी है, डिकोडर गलत जवाब देगा और जिस काम के लिए आपने सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल बनाया फिर वो होगा नहीं। ठीक है, सो ये एक और प्रॉब्लम है हमारे ये जो सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स हैं जो RNN पे बेस्ड है। बिल्कुल, और जब प्रॉब्लम आ जाती है तो इसका मतलब है कि अब आपने उसका सलूशन भी कोई ना कोई निकालना है। और प्रॉब्लम अगर आप लोगों के माइंड में रहे कि हमें मेजरली प्रॉब्लम क्या है, मेजर हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने ऐसा मॉडल क्रिएट करना है कि जिसको हम सीक्वेंस अगर लेंथ ही भी दे रहे हैं तो वो उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको रिटेन कर सके। दिस इज़ आर मेन गोल। ठीक है, अब उसके लिए हम कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म सोच सकते हैं कि हम जैसे हमने देखा था LSTM के अंदर हमने देखा था कि मेमोरी वाला प्रॉब्लम, क्योंकि हम जब लॉन्ग सीक्वेंस देते हैं तो हमारी मेमोरी जो है वो रिड्यूस हो जाती है और रिडक्शन की वजह से हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो जो है वो लॉस होती है। तो हमने उसके अंदर कुछ गेट्स लगाए थे और वो गेट्स क्या कर रहे थे कि कुछ इन्फॉर्मेशन को वो अपने पास रखते थे, कुछ को वो फॉरगेट कर देते थे, लेकिन स्टिल ये प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करता है। आपने एक किताब पढ़ी लेकिन आप उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिटेन रखना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? या तो आप उस सेंटेंस या उस लाइन के नीचे वो लाइनें लगा देते हैं या हाइलाइटर यूज कर लेते हैं। दैट इज द अमेजिंग आंसर। क्या ऐसा हो सकता है कि न्यूरल नेटवर्क भी कोई हाइलाइटर ले और जो इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करते है ना? मज़े की बात है ना? बहुत ही मज़े की बात है। एग्जैक्टली सुन के परेशान हो गए। हाँ, अब हमारे पास जो नया न्यूरल नेटवर्क है वो ऐसा न्यूरल नेटवर्क है उसके पास अपना हाईलाइटर है, वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट कर लेता है और जब उसने आउटपुट जनरेट करनी होती वो देखता है यार ये आउटपुट के लिए क्या क्या लाइन इम्पॉर्टेंट थी, अगली आउटपुट के लिए कौन कौन सा टाइम स्टेप इम्पॉर्टेंट था, उससे अगली आउटपुट के लिए कौन कौन सा टाइम स्टेप इम्पॉर्टेंट था। तो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ हाईलाइटर, लेकिन हम उसे हाईलाइटर नहीं कहते, हम उसे कहते हैं अटेंशन। ठीक है, सो अटेंशन इज लाइक अ हाईलाइटर इन ए डीप न्यूरल नेटवर्क। तो अभी हारिस भाई इसकी एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल भी हमें दिखाएंगे, दैट इज एक्चुअली एन अमेजिंग एग्जांपल। हारिस भाई अगली स्लाइड पे चले। दिस इज अमेजिंग एग्जांपल। आपके पास इनपुट है आई जस्ट वांट टू हैव अ सिस्टर, ओके, एंड यू हैव अ दिस इज अ सीक्वेंस बाय द वे, और आप इसका फ्रेंच में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एग्जांपल है न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन की। जिस चीज़ पे मैं चाहता हूँ आप गौर करें वो ये है कि जब हर ग्रीन टोकन क्रिएट हो रहा है तो वो नीली लाइनों की विड्थ किस तरह की। इसका मतलब है कि आपने आई की ट्रांसलेशन करनी है तो
वो जो सिस्टर और हैव और ए है उनका रोल बहुत कम है. आपने जब सिस्टर जो है उसकी ट्रांसलेशन करनी है तो जस्ट वांट का रोल कंपैरेटिवली बहुत कम है. सो इट्स लाइक हाइलाइटर. लेकिन ये हाइलाइटर आप हर आउटपुट का टोकन या आउटपुट का वर्ड जनरेट करते हुए यूज कर रहे हैं कि पहला जनरेट करना है तो इनपुट में से पहला तीसरा और पांचवा इंपॉर्टेंट था ये यूज कर लो. दूसरा जनरेट करना है दूसरा तीसरा चौथा और आठवां इंपॉर्टेंट था ये यूज कर लो एंड यू कीप ऑन डूइंग. सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हाइलाइटर इज कॉल्ड द अटेंशन. तो इन और इस किस्म के सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स को हम अटेंशन मॉडल्स कहते हैं. मैंने जानबूझ के ये ऐड किया है इस किस्म के सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स को हम अटेंशन मॉडल्स कहते हैं. विच मीन्स हर अटेंशन मॉडल एक सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल. तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखी. बिल्कुल. इसकी एक एग्जांपल आप इस तरह से इमेजिन कर लें कि आई गो टू स्कूल, ये एक सेंटेंस है. आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उर्दू में इसका इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी? मैं स्कूल जाता हूँ. अब अगर इंग्लिश में आप देखें तो आई गो टू स्कूल, स्कूल सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है. और जब आप ट्रांसलेशन करें तो मैं स्कूल जाता हूँ, वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है. जब आप ट्रांसलेट करने लगते हैं तो मॉडल को कैसे पता चलता है कि जनाब किस वर्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है इस सेंटेंस में, और उसको मैंने जब ट्रांसलेट करना है तो उसको मैंने किस तरह से प्लेस करना है कि जब वो ट्रांसलेशन हो जाए उस लैंग्वेज में तो वो सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक हो. तो यहाँ पे आपका यही अटेंशन मैकेनिज्म आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कि कौन सा वर्ड किस तरह से इंपॉर्टेंट. अदरवाइज क्या होगा, जो वर्ड जिस जिस सीक्वेंस में है आपका जो ट्रांसलेशन सिंपल एक डम किस्म का आप जिसको कह लें कि एक मॉडल है, वो क्या करेगा उसी सीक्वेंस में उस लैंग्वेज के वर्ड्स को ऐड करना स्टार्ट कर देगा और वो आपको ट्रांसलेशन निकाल कर दे देगा या इसकी ट्रांसलेशन ये है, और वो कॉन्टेक्स्ट को भी नहीं रख रहा होगा. ठीक है. ओके जी, ये पहले एक दफ़ा हम सारी शेयर कर दें फिर हम स्टूडेंट्स को आइडिया दे देते हैं. सो अटेंशन हाइलाइटर आपके जहन में आ गया. तो हाइलाइटर क्या, आपने जब एक दफ़ा पूरी चीज़ पढ़ी तो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें से हाईलाइट कर ली. ठीक है. ये हाईलाइट कैसे कर ली इसको अभी मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करूँगा, लेकिन अभी आपने सिर्फ एक मेंटल पिक्चर जो है ना वो क्रिएट करनी है अपने माइंड में कि ये काम हो कैसे रहा. एसेंशली आपके पास इनपुट आई, आपने उसमें से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने पास हाईलाइट कर ली. अब आपने जब पहला वर्ड या टोकन जनरेट करना है आपने सोचना है, यानी आपके मॉडल ने सोचना है यार कौन कौन सा वर्ड इम्पॉर्टेंट है. सो दैट इज़ व्हाट स्टेप वन मीन्स, फाइंडिंग इम्पॉर्टेंट पार्ट्स. ठीक है, कि आपने जनरेशन के लिए देखना है कि इस पर्टिकुलर टाइम स्टेप की जनरेशन के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है. टाइम स्टेप मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होगा, ये मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ एंड यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि टाइम स्टेप क्या होता है. किसी भी सीक्वेंस में जो भी इंडिविजुअल एंट्री होती है वो टाइम स्टेप होती है. जैसे हारिस भाई ने एग्जांपल दी थी, आई गो टू स्कूल, आई एक टाइम स्टेप है, गो एक टाइम स्टेप है, टू एक टाइम स्टेप है, स्कूल एक टाइम स्टेप है, और सारे टाइम स्टेप से मिल के आपका सीक्वेंस बनता है. ठीक है, तो हमें टाइम स्टेप के बारे में बहुत अच्छी तरह बताना चाहिए. ओके, दूसरा स्टेप है कि आपने स्कोर देना है, और तीसरा स्टेप है कि उस स्कोर की बेस पे आपने देखना है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो इट सीम्स प्रिटी नेचुरल. पहले आपने सारे जो नंबर्स हैं उनको एक स्कोर दे दिया, उस स्कोर जो है वो कम या ज़्यादा होगा. उसके बाद हर जनरेशन पे, आउटपुट जनरेशन पे आपने उससे रिलेटेड हाई स्कोर के इनपुट टोकन्स उठाए और उनकी बेस पे आउटपुट टोकन जनरेट कर दिया. ऑफ कोर्स डिटेल इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए, आपका एक मेंटल पिक्चर जो है आपके जहन में क्रिएट हो जाए. जी हारिस भाई, वाह हारिस भाई, आपने पिक्चर्स बहुत अमेजिंग लगाई.
स्टूडेंट्स जो बहुत मेहनत करते हैं, और ये मेरा ख्याल हमारी जो टीम है बुशरा है, और उसमें हमारे बहुत सारे जो होप टू स्किल बैच वन के बच्चे हैं, दे हैव डन अमेजिंग जॉब, और इनको देख के तो खुद हमें समझ में आ जाती है चीज़ें जो हमें पहले नहीं आती होती. सो या सो दैट इज़ हाउ अ ट्रांसलेशन वर्क्स. आप देखें कि जब कोई एक टोकन जनरेट होता है तो डिफरेंट कनेक्शंस आपको नज़र आते हैं. ये वो अटेंशन है जो मॉडल यूज़ कर रहा है कि मैंने दा को करना है तो मैंने किसको अटेंशन देनी है, रैबिट को करना है किसको, क्विकली हॉप एंड सो ऑन सो फॉर्थ. चले हैं हर्ष भाई आगे. बिल्कुल. और यहाँ पे मतलब ये बेसिकली एग्जांपल आप लोगों के लिए डाली हुई है कि एक मॉडल जब ट्रांसलेशन कर रहा होता है तो विद अटेंशन एंड विदाउट अटेंशन उसकी जो परफॉर्मेंस है इन ट्रांसलेटिंग वो किस तरह से अफेक्ट होती है. तो ये एग्जांपल के अंदर आप अगर पहली एग्जांपल देते हैं तो प्रोफेसर असाइंड होमवर्क ऑन डिफरेंशियल इक्वेशंस. अब उसकी जब ट्रांसलेशन हो रही है तो उस्ताद ने फ़र्क के इक्वेशंस पर होमवर्क दिया. अब उसने उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश तो की है लेकिन एक्चुअली उस तरह से ट्रांसलेशन हुई. अब जब करेक्ट ट्रांसलेशन हुई विद अटेंशन मॉडल तो प्रोफेसर ने डिफरेंशियल इक्वेशन पर होमवर्क दिया. अब उसने एग्जैक्ट जो वर्ड जो यूज़ होना चाहिए था, जो सेंस बनाएगा मोर, उसको यूज़ किया. क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन एक एंटिटी है, ये वर्ड्स नहीं है. डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स समथिंग वेरी स्पेसिफिक, और अटेंशन ने वो रिलेशनशिप जो है वो रिटेन किया, जबकि जो बग़ैर अटेंशन के मॉडल था उसने हर एक को ट्रांसलेट कर दिया. ठीक. सो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपने जेहन में रखना है, अटेंशन और नो अटेंशन. तो ये इस किस्म की एग्जांपल्स आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं, ये सिर्फ आपके लिए फूड फॉर थॉट है. तो अटेंशन का आपको आइडिया हो गया, सिर्फ एक दफ़ा आप इसकी डेफिनेशन जो है हारिस भाई अगर पढ़ दें तो दैट वुड बी ग्रेट. जी, बेसिकली अटेंशन क्या करती है कि फोकस इज़ ऑन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इनपुट डाटा, के जो इनपुट आप उसको दे रहे हैं उसके जितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो गए उनको जो है वो, क्योंकि आपका प्रॉब्लम क्या था, अगर दोबारा प्रॉब्लम पे जाएं तो आपको फिर क्लैरिटी हो जाएगी. प्रॉब्लम ये था कि आपके पास सिक्वेंस बड़ा आता है और उसके अंदर आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना है. जब आप सारी इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने लगते हैं तो आपकी जो कैपेसिटी है टू रिटेन इन्फॉर्मेशन और जो आपकी मेमोरी है वो इतनी ज़्यादा है नहीं, लिमिटेड है. तो उसके लिए अब आपका मैकेनिज्म क्या है कि फोकस ही ऑन इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर ज़्यादा किया जाए जो कि आपके बाद में काम आएंगी, और आपकी इस तरह से ऑप्टिमाइज मेमोरी जो है वो आप यूज़ कर रहे होंगे फॉर रिटेनिंग. इसकी एग्जांपल मैंने दी थी, द कैट हु शाउटेड ऑन ए डॉग जंप्ड द फेंस. अब अटेंशन क्या करेगी, अटेंशन द कैट हु शाउटेड ऑन द डॉग को मिनिमल अटेंशन देगी, जंप्ड ओवर द फेंस पे उसे पता चलेगा यार इसका कैट से तलक. ठीक है. सो दैट इज हाउ द अटेंशन सेलेक्ट्स द रेलेवेंट पार्ट ऑफ इनपुट, और उस रेलेवेंट पार्ट की बेस पे ज्यादा अच्छा काम करती है. अच्छा, आपको याद होगा मैंने बताया था कि लॉन्ग सीक्वेंस डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. अब आप गौर करें, एक लंबे सीक्वेंस में अगर आउटपुट जनरेट करने के लिए पूरा सीक्वेंस नहीं चाहिए तो आपको तो सिर्फ एक दो या तीन फीचर चाहिए उसे आउटपुट करने के लिए. तो सडनली आपके ये जो डिपेंडेंसी प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगा. दूसरा, हमने मसला बताया था कि आपकी हिडन रिप्रेजेंटेशन फिक्स्ड है, वो सारे फीचर जो है अपने पास नहीं संभाल सकती. लेकिन अगर आप अटेंशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको सारे फीचर चाहिए भी नहीं. आपको आउटपुट जनरेट करने के लिए बड़े स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर चाहिए हर टाइम स्टेप पे. तो वो स्पेसिफिक वेक्टर जो है वो सारी इनपुट का डाटा अपने पास नहीं सेव करेगा, वो सिर्फ जो उस पर्टिकुलर जगह पे हाइलाइटेड या अटेंशन ने बताया कि यार ये तीन लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है आउटपुट जनरेट करने के लिए, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में सिर्फ फिर वही होंगे. तो वो जो फिक्स साइज का मसला था वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा. तो अटेंशन एक्चुअली उन मसलों को सॉल्व करती है जो सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल में थे जब हम अटेंशन यूज़ नहीं कर रहे थे. अब आपके जहन में आएगा कि मॉडल को कैसे पता चलता है कि मैंने किसको कितनी अटेंशन दी. ओके, बड़ी आसान सी बात है. आपको पता है सारे न्यूरल नेटवर्क्स वेट्स यूज़ करते हैं. वेट स्टार्ट में रैंडम होते हैं, जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं तो वेट्स ट्रेन होते हैं, जब वेट्स ट्रेन होते हैं तो मॉडल अच्छा काम करता है. बड़ी सिंपल सी स्टोरी है.
तमाम न्यूरल नेटवर्क पे यही स्टोरी एप्लीकेबल है. ओके तो मैं अटेंशन के लिए भी यही कर लेता हूँ ना. मैं स्टार्ट में मॉडल ट्रेंड नहीं है, मैंने अटेंशन के वेट्स रैंडमली चूज कर लिए, मैंने मॉडल ट्रेन किया और ट्रेनिंग के दौरान अटेंशन के वेट्स को ट्यून किया. फॉरवर्ड पास में प्रेडिक्शन की, लॉस बहुत ज्यादा था, मैंने अटेंशन वेट्स को अपडेट किया, फिर फॉरवर्ड पास किया, अब लॉस थोड़ा सा कम हुआ, फिर मैंने अटेंशन के वेट्स को भी अपडेट किया, एंड आई कीप ऑन डूइंग फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास. और ये मैं कर रहा हूँ पूरा सीक्वेंस टू सीक्वेंस अटेंशन मॉडल पे. तो अब मेरा इनकोडर भी ट्रेन होगा, जब मेरा इनकोडर ट्रेन होगा तो उसके अंदर जो अटेंशन वेट्स हैं वो भी अपडेट होंगे, मेरा डिकोडर भी ट्रेन होगा, और ओवरऑल अब इसके बाद आपका मॉडल जो है जब वो सफिशेंटली ट्रेन होगा तो इसका मतलब है कि वो इनपुट पे डिसाइड कर सकता है कि मैंने प्रॉपर अटेंशन कब देनी है. अच्छा, बाय द वे, अगेन ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है, बाज़ जगह पे हम अटेंशन के लिए एक सेपरेट मॉडल भी यूज़ करते हैं, तो मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा. आई एम जस्ट गिविंग यू अ फूड फॉर थॉट कि मॉडल को कैसे पता चलता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है. वेट्स जैसे मॉडल क्लासिफिकेशन मॉडल को पता चलता है जी कि ये जो आप निकालना है, रिग्रेशन को पता चलता है ये जो आप निकालना है वेट्स की ट्रेनिंग से, तो इधर भी हम अटेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए अटेंशन वेट्स यूज़ करते हैं और हम उनको इस तरह ट्रेन कर लेते हैं कि मॉडल को पता चल जाता है कि किसी ख़ास आउटपुट को जनरेट करने के लिए मैंने इनपुट की किन चीज़ों को ज़्यादा वेटेज देते हैं. तो ये सिंपल एक डॉट प्रोडक्ट होती है. तो समरी ये थी कि हमने बात की कि पिछली बार RNN पढ़े थे, RNN में कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए और उन प्रॉब्लम्स में हमने देखा कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसे हमने अटेंशन मैकेनिज्म का नाम दिया. और हमने ब्रीफ सी डिटेल पढ़ी कि सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स में हम अटेंशन अप्लाई करते हैं और उसकी बेस पे हमारी जो इनपुट है वो ज़्यादा बेहतर आउटपुट जनरेट करती है. और अगेन अटेंशन हम सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल या सीक्वेंशियल मॉडल्स पे ही यूज़ करते हैं. अटेंशन की बहुत सारी टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास महलानोबिस अटेंशन है, हमारे पास सेल्फ अटेंशन है, हमारे पास मल्टी हेड अटेंशन है, लेकिन इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे. अभी के लिए टेक अवे ये है कि अटेंशन में मॉडल सारी इनपुट ले लेता है, उस पर हाईलाइटर लगाता है, उसके बाद जब आउटपुट क्रिएट करनी है तो वो उस हाईलाइटर की बेस पर डिसाइड करता है कि यार कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी की बेस पे आउटपुट जनरेट कर. सो दैट इज़ दी जनरल आइडिया ऑफ अटेंशन मॉडल. जिस क्वेश्चन ये है कि ऑटो इनकोडर और सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स में बेसिक डिफरेंस क्या है. देखिए, बेसिक डिफरेंस ये है कि इनकोडर और डिकोडर दोनों RNN है. ऑटो इनकोडर में ये RNN नहीं थे, उसमें फुली कनेक्टेड थे या कुछ और था, बट जब आप सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स की बात करते हैं तो इसमें RNN हम इसलिए कह रहे हैं कि इनपुट भी वेरिएबल हो सकती है, वेरिएबल लेंथ की हो सकती है. जैसे मैं खाना खाने बाहर जा रहा हूँ तो इसके ट्रांसलेशन क्या है, आई एम डाइनिंग आउट, आई एम गोइंग टू डाइन आउट. तो दोनों के अंदर इनपुट में लफ्ज़ जो है या सीक्वेंस की लेंथ या नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स फ़र्क है. तो इनपुट में भी आपके पास नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स किसी और लैंग्वेज में है वो फ़र्क हो सकते हैं, आउटपुट में फ़र्क हो सकते हैं. ऑटो इनकोडर में ऐसा नहीं था, ऑटो इनकोडर में आप एक फिक्स्ड इनपुट देते थे. असेंशली बेसिक फ़र्क ये है कि ऑटो इनकोडर का आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं हम, लेकिन उसमें जो इनकोडर और डिकोडर मॉडल है वो सीक्वेंस मॉडल्स हैं. ठीक है, ये मेन फ़र्क है. तो विद डैट जी अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें और इंशाल्लाह टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.